अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चिल्ड्रेन, टुडे वी विल कंटिन्यू जीके लेसन नंबर 11, 12 एंड 13। लेसन नंबर 11, फेमस पीपल। सर्कल द करेक्ट आंसर। नंबर 1, आर डी बर्मन वॉज अ रिनोन्ड म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिकिस्ट। आंसर इज म्यूजिक डायरेक्टर। नंबर 2, ओलिवर हार्डी या चार्लीज चैपलिन वॉज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंग्लिश फिल्म। सो आंसर इज चार्लीज चैपलिन। नंबर 3, सोक्रेट्स या एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर हु इज ऑल्सो द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो आंसर इज एरिस्टोटल। सो हमें सर्कल करना है। नंबर 4, पंकज आडवाणी इज अ ब्रिलियंट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स या बैडमिंटन प्लेयर। सो आंसर इज बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। नंबर 5, रॉब रॉय और रॉबिन हुड इज द फेमस लेजेंडरी हीरो ऑफ 13th सेंचुरी इंग्लैंड हु रॉब्ड द रिच टू गिव टू द पुअर। सो आंसर इज रॉबिन हुड। नंबर 6, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया हु एड्रेस द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। सो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी वॉज नोन एज गुरुदेव। आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 8, टोनी ब्लेयर वॉज द ब्रिटिश फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हु रिटायर्ड इन जून 2007। सो आंसर इज ब्रिटिश। नंबर 9, MF हुसैन वॉज अ वेल नोन इंडियन पेंटर और पॉलिटिशियन। आंसर इज पेंटर। नंबर 10, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या द यूनाइटेड किंगडम। सो आंसर इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ चैप्टर 12, इंडिया। हाउ वेल डू यू नो योर कंट्री। आंसर द फॉलोइंग बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। हमें नीचे आंसर दिए गए हैं, उसमें से हमें आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। सो नंबर 1, हु इज द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो आंसर इज जस्टिस पी सदाशिवम। नंबर 2, टू विच स्टेट डज द खासी ट्राइब बिलोंग। आंसर इज मेघालय। आंसर इज मेघालय। नंबर 3, वॉट इज द कलर ऑफ व्हील ऑन आर नेशनल फ्लैग। आंसर इज नेवी ब्लू। आंसर इज नेवी ब्लू। नंबर 4, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र। आंसर इज 24। आंसर इज 24। नंबर 5, विच इज इंडियाज शेफ रॉकेट एंड विच इज इंडियाज चीफ रॉकेट एंड सैटेलाइट्स टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग स्टेशन। आंसर इज श्रीहरिकोटा। आंसर इज श्रीहरिकोटा। नंबर 7, वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। आंसर इज पोखरण। आंसर इज पोखरण। नंबर 8, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। आंसर इज मानस। आंसर इज मानस। वेयर इज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिचुएटेड। आंसर इज न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। नंबर 9, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इज इन इंडिया विच प्लेस डज इट लिंक। आंसर इज लेह मनाली। आंसर इज लेह मनाली। नंबर 10, विच वॉज द इंडियन नेवी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। विच वॉज द इंडियन नेवी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। आंसर इज INS विक्रांत। आंसर इज INS विक्रांत। नंबर 11, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स। आंसर इज President of India. Answer is President of India. Number 12, where is Kavaratti? Answer is Lakshadweep. Answer is Lakshadweep. Number 12, which is the highest rank in Indian Army? Answer is Field Marshal. Answer is Field Marshal. Number 14, who found the missionaries of charity and went on to win the Nobel Peace Prize? Answer is
Mother Teresa. Answer is Mother Teresa. So now lesson number 13. Potpourri. Choose the correct option from the box and fill in the blanks. हमें पीछे के पेज में ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. सो नंबर वन, आर डैश प्रोटेक्टर्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस. सो आर आंसर इज इम्यून सिस्टम. आर आंसर इज इम्यून सिस्टम. नंबर टू, अ डाइट विच हैज़ फूड आइटम फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स एंड इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड डैश. Our answer is balanced diet. Our answer is balanced diet. Number 3, dash is known as the roof of the world. Answer is Tibet. Answer is Tibet. Number 4, dash is the hardest mineral. Answer is diamond. Answer is diamond. Number 5, BCG is the vaccination used against dash. Our answer is tuberculosis. Answer is tuberculosis. Number 6, the main source of vitamin D is dash. Our answer is sunlight. Our answer is sunlight. Number 7, animals that eat the flesh of other animals are called dash. So our answer is carnivorous. Our answer is carnivorous. Number 8, the Japan art of drawing trees is known as dash. Our answer is bonsai. Our answer is bonsai. Number 9, someone who use his her strength to frighten or hurt weaker people is known as dash. So our answer is bully. Our answer is bully. Number 10, a dash is a person who rides horses in race. So our answer is jockey. Our answer is jockey. Number 11, dash are a pair of large scissors used for clipping hedges. So our answer is shears. Our answer is shears. Number 12, all books, poems and stories are a part of dash. So our answer is literature. Our answer is literature. Number 13, dash is a film about a clone fish who goes in search of his son braving the dangers of the ocean. So our answer is Finding Nemo. Our answer is Finding Nemo. Now turn the page, page number 18. Fill in the blanks. Number 14, dash are rodents that travel miles to the sea to leap into it and swim until they drown. So our answer is lemmings. Our answer is lemmings. Number 15, dash is a mixture of rain and snow or hail. Our answer is sleet. Our answer is sleet. Number 16, the dash is very large species of spider. So our answer is tarantula. Our answer is tarantula. Number 17, a dash is a person who is professionally trained to cook in restaurant. So our answer is chef. Our answer is chef. Number 18, a dash is a place where the Jewish people go to pray. So our answer is synagogue. Our answer is synagogue. Number 19, the tree that have green leaves throughout the year are called dash tree. Our answer is evergreen. Our answer is evergreen. Number 20, dash is celebrated all over India to remember the day when our constitution was passed. So our answer is Republic Day. Our answer is Republic Day. Number 21, the process of elections a leader by voting is known as dash. The answer is election. Our answer is election. Number 22, the dash is a sea creature which squids ink when attacked. So our answer is squid. Our answer is squid. Number 23, the Queen of England lives at dash. So our answer is the Buckingham Palace. The Buckingham Palace. Number 24, a four-sided figure is called a dash. So our answer will be quadrilateral. Answer will be quadrilateral.
Number 25. The term cavity, plague and enamel are related to the dash. Cavity किस में होती है? Teeth में. कल ही हमने ENV के lesson में पढ़ा था. So our answer will be teeth. Our answer will be teeth. चलो बच्चों, अभी इसमें ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हो. So thank you for listening and understanding. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.